आप लोग कैसे आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पटना मेट्रो से बदलेगी बिहार की तस्वीर, फेज वन के ऊपर काम जो है तेजी से चल रहा है। फ्रेंड, तो वीडियो में आगे बढ़ूं से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि बिहार भारतीय इतिहास और संस्कृति का धरोहर है। बिहार एक ऐसा नाम है जिसने विश्व को गौतम बुद्ध, महावीर और ऐसे कई सपूत दिए हैं। बिहार की यह विडंबना है कि इतने गौरवपूर्ण और समृद्ध इतिहास के बाद भी हम इस धरोहर को संभालने में असमर्थ हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था पिछड़े रही है और यहाँ के लोग अशिक्षित हैं। इतना ही नहीं, समाज में बिहारी शब्द का नारा नहीं बल्कि गाली बनती नजर आती है। पर अब ऐसा नहीं है, बहुत कम समय में बिहार ने जो रफ्तार पकड़ी है वो सराहनीय है। इस रफ्तार को अब एक नई उड़ान देने आ रही है अपने बिहार में पटना मेट्रो, यानी कि मेट्रो पटना। तो बिहार की तस्वीर बदलने आ रहा है मेट्रो पटना। जी हाँ, वही बिहार जो कभी लेट लतीफ के लिए जाना जाता था अब अपनी तीव्र गति से जाना जाएगा। 14 सितंबर 2011 को भारत के योजना आयोग ने पटना मेट्रो के लिए अनुमोदन दिया। सार्वजनिक निजी साझेदारी मोड़ के तहत मेट्रो रेल दो मार्ग में पेश किया जाएगा, यानी कि चलाया जाएगा। फिर 3 जुलाई 2018 को बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने प्रस्तावित मेट्रो को रेल को संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के राज्य में कैबिनेट के समक्ष पेश करने के लिए मंजूरी दी, जिसने भूमि अधिग्रहण लागत सहित परियोजना को संशोधित अनुमानित लागत को 19,500 करोड़ रुपया शामिल थे। जो कि मैं बता दूं कि 4 मार्च 2019 को पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड ने औपचारिक रूप से इंदिरा भवन में अपना कार्यालय हड़ताली मोड़ के पास खोला। फ्रेंड, तो पटना मेट्रो बिहार की राजधानी पटना के लिए एक योजनाबद्ध रैपिड ट्रांजिट त्वरित गमन, यानी कि MRTS प्रणाली का इसका स्वामित्व राज्य संचालन पटना मेट्रो रेल निगम द्वारा किया जाएगा। इसका निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी PP मोड पर किया जाएगा। खर्च जो है 13,365.77 करोड़ जो है अरब रुपया जो है आपको इसको संशोधन किया गया, निर्गत किया गया। और मैं बता दूं कि LNT NYFC को मिली और NCC मेट्रो पटना की प्रोजेक्ट दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन DMRC ने लार्सन एंड टुब्रो और YFC MCL JV को पटना मेट्रो पहले चरण की परियोजना के लिए दो प्रमुख सिविल निर्माण अनुबंधों को सम्मानित किया गया। PC03 लार्सन एंड टुब्रो का लाइन 28 किलोमीटर राजेंद्र नगर पटना जंक्शन रेलवे खंड के लिए 6 भूमिगत मेट्रो स्टेशन साथ पुरस्कृत किया गया। और साथ ही बता दूं कि PC04 YFC MCL JV की लाइन 1 से 4 किलोमीटर दानापुर पाटलिपुत्र रैंप सेक्शन और 4 किलोमीटर मीठापुर रैंप खैमनी चौक सेक्शन के लिए 7 एलिवेटेड स्टेशन के साथ पुरस्कृत किया गया। फ्रेंड, तो पटना अब जो है मैं बता दूं कि काफी रफ्तार पकड़ चुका है। और ये काम को देखते हुए फ्रेंड मैं बता दूं कि दोनों पैकेज PC03 और PC04 के लिए वित्तीय बोली जुलाई 2021 में खोली गई और LOA जारी करना एक अच्छा संकेत। और परियोजना के मुख्य ऋणदाता जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जाइका के साथ एक बुनियादी ऋण समझौता किया गया। उसके बाद जो है मैं बता दूं कि पटना मेट्रो का पहला खंड पूरा होने अगस्त 2023 की समय सीमा से परे 2024 तक उम्मीद है। चरण वन को 2027 में पूरा करने की उम्मीद है। तो फ्रेंड मैं बता दूं कि पटना का अभी जो है ये पटना MRTS प्रोजेक्ट, यानी कि मेट्रो प्रोजेक्ट का काम जो है युद्ध स्तर पर चल रहा है। और 2024-25 के बीच में जो है आपको 5 स्टेशन जो है संचालन करने के लिए सरकार पुरजोर योजना बनाई है और जोर शोर से युद्ध स्तर पर काम कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी कैसा लगा कमेंट कर करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए अपने चैनल को फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।